बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है दोस्तों? मैं हूं मोहम्मद शाहजहां, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहजहां हलीली व्लॉग्स। दोस्तों आज मेरी पहली वीडियो है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स दूं जिससे आप जो है इंजॉय करें। तो मेरे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5:45 का, तो मैं अभी निकला हुआ हूँ जी वॉक के लिए। तो जैसे मेरी डेली की रूटीन होती है, तो मैंने जी कहा जी आपसे भी शेयर कर लूँ। तो ये देखें जी सुबह सुबह का मौसम, तो जिस इलाके में मैं रहता हूँ तो ये देहात है, तो मैं इंशाल्लाह आपको देहात का माहौल दिखाऊंगा। कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि शहर में रहते हैं, तो उनको इंशाल्लाह ताला ये देहात का माहौल बहुत ही पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह डेली जो है हम इस तरीके से अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको जो है दिखाते रहेंगे। तो डेली तकरीबन मैं 45 से 40 मिनट तक जो है वॉक करता हूँ, तो अभी मुझे सिर्फ 5 मिनट हुए मैं निकला हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी वॉक कंप्लीट करते हैं, फिर इससे आगे देखते हैं। तो अभी देखें जी मैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर जो है पैदल जा के फिर वापस आता हूँ। तो अभी जो है मैं लगा हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ये देखें जी ज़बरदस्त यहाँ पे खेत वगैरह उगे हुए हैं। ये देखें ये, दोस्तों अभी मुझे जो है ये कुछ दिन ही हुए वाह करते हुए, तो वाह करने से जो फ़ायदे हैं ना बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एक तो ये है कि अगर बंदे का वेट वगैरह ज़्यादा हो तो वो गेन होना स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा ये कि यार सुबह सुबह बंदा निकलता है और इससे जो यानी कि एक तो रिफ्रेशमेंट मिलती है। जैसे अब सुबह सुबह का टाइम है, तो एक तो टेम्परेचर भी ठीक है, मौसम ज़बरदस्त है, फ्रेश हो रहा है बंदा, और दूसरा ये जैसे परिंदों की चहचहाट, और उसके अलावा यहाँ पे देखें सर सब खेत हैं, यहाँ से बंदा गुजरता है तो एक अलग ही मज़ा है। ये देखें जी, तो बंदे को ये वॉक वगैरह करनी चाहिए। अक्सर ऐसे होता है कि यार नमाज़ पढ़ के बंदा सो जाता है, तो नमाज़ पढ़ के थोड़ा 15-20-25 मिनट आधा घंटा अगर ऐसी वॉक करे तो मेरे ख्याल में सेहत ठीक रहती है। तो ये देखें, तो अभी मेरा पेट निकलना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने जो है ये वॉक स्टार्ट की है। Few moments later. तो मैंने वॉक कंप्लीट कर ली थी, तो अभी जा रहा हूँ सिलाई वगैरह कर रहे थे। ये बारिश आई थी तो उससे जो है ये रोडों का ये हाल है। ये जब मिठाई वगैरह ले ली है तो भी चलते हैं। One hour later. दोस्तों मैंने तैयारी कर ली है, तो अब जा रहा हूँ मैं ड्यूटी पे, तो क्योंकि अब तो अभी तकरीबन 8 का टाइम हो रहा है, तो अभी मैंने ड्यूटी पे जाना है, तो 8 बजे मेरा तकरीबन ड्यूटी का टाइम होता है, तो अभी तकरीबन 5-10 मिनट रहते हैं, तो ड्यूटी पे चलते हैं जी, उसके बाद फिर मिलेंगे। क्योंकि ड्यूटी पे तो हम मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, मोबाइल तो अलाउ है लेकिन वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह नहीं बना सकते। तो वहाँ से जैसे वापसी आऊँगा फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, तो अभी चलते हैं जी। ये तनवीर भाई नवी दादी तो ठीक है, क्या रेट है आजकल? जी गाइस अभी पेट्रोल वगैरह डलवा लिए, अभी जा रहे हैं जी ड्यूटी पे। अभी तकरीबन 8 घंटे गुजरने के बाद जो है हमारी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है, और अब जो है मैं घर वापस जा रहा हूँ। ये देखिए जी बाहर घर में जा रही है, बाहर घर में सीधा बाहर। Few moments later. ड्यूटी से वापस आ रहा था तो अपने भाई के पास आया हूँ, मोहम्मद रमजान के पास। ठीक है, अलहमदुल्लाह, ठीक ठाक।
Few moments later. मैं घर आ गया था ड्यूटी से, तो फर्स्ट टाइम को तो मैं ड्यूटी करता हूँ, प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे, तो जैसे कि आपको सुबह भी बताया था। तो उसके अलावा जैसे सेकंड टाइम मैं आता हूँ तो मैंने इंस्टीट्यूट बनाया हुआ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जो है कंप्यूटर कोर्सेज करवाता हूँ, तो अभी वहाँ जा रहा हूँ, उसका भी आपको विजिट करवाते हैं, दिखाते हैं जी। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है हामिदपुर कनौरा में, तो अभी जो है आप इसका विजिट करवाते हैं। अच्छा व्यूवर्स, तो मैं अभी जो है अपने इंस्टीट्यूट आ गया हूँ। सबसे पहले जो है हम विजिट कर लेते हैं इंस्टीट्यूट का, तो सबसे पहले ये आपको विजिट करवाते हैं जी इसका बाहर से। यहाँ पे जो है गर्ल्स की क्लासेस होती हैं और यहाँ पे होती हैं बॉयज़ की क्लासेस। तो अभी जो है हमने बॉयज़ वाला पोर्शन जो है ये ओपन किया हुआ है, तो इसका आपको विजिट करवाते हैं। ये इसका फ्रंट लुक है, यहाँ पर हमने कुछ पैनल फ्लेक्सेस लगाए हुए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है जी यूथ पेंटियम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज मुल्तान। तो अभी जो है हम चलते हैं अंदर। ये है, ये हमने एंट्री कर ली है, तो ये है हमारे पास ऑफिस का कुछ, यहाँ पे जो हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो उनको यहाँ पे जो है हम बिठाते हैं। और ये है हमारे पास ऑफिस की चेयर और टेबल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे पास ये एसी है, ये हमारे पास सिस्टम है। और अगर दूसरे साइड पे हैं तो ये तो अंदर स्टूडेंट बैठे हुए थे, वो बोलने से डिस्टर्ब होते थे क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। तो अभी आपको मैं यहाँ पे कुछ डिटेल दे देता हूँ कोर्सेज वगैरह की। तो फिलहाल जो मैं कोर्सेज करवा रहा हूँ वो दो किस्म के कोर्सेज हैं, एक है जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स। तो ये दोनों कोर्सेज जो हैं इनकी ड्यूरेशन है 6 मंथ की। ठीक है, तो ये फिलहाल जो है हम यहाँ पे करवा रहे हैं, बेसिक कोर्सेज हैं। तो मैट्रिक के बाद जो है स्टूडेंट को इनकी जो ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आगे जॉब्स वगैरह इजीली कर सकें। ठीक है, तो अभी जैसे स्टूडेंट आते हैं फिर आपको विजिट करवाएंगे इस सेंटर का। तो जी आज के व्लॉग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह।